जंगल सफारी जाने वाले हैं। सलमान भाई इसमें नहीं है। किसमें? इसमें यार, हाथ हाथ पकड़ लो आपस में, मेरे को ये बोलने में कोई शर्म नहीं कि मेरी फट रही है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर कॉन्फिडेंट गौतम कश्यप। मैं हूँ आपका अपना कॉन्फिडेंट आलिक रवि माथुर, ये है कॉन्फिडेंट लच्छेंद्र, और सुबह के बज रहे हैं 6:00। और आज धूप दिख रही है क्या? मुझे दिखाना, धूप तो नहीं दिख रही है ना? पता नहीं आज धूप क्यों नहीं आई 6:00। हम लोग आज एक जंगल सफारी पे आ रहे थे एज ए टीम, कि भाई हम गपशप वाली टीम टीम बॉन्डिंग करेंगे जंगल सफारी आके। हमारे जो डायरेक्टर साहब है धीरेन्द्र सिंह सिसोदिया जी, जो लायक नहीं है किसी भी चीज के, मैं तो जी क्यों लगा रहा हूँ, इज्जत के लायक है क्या वो आदमी? हम आ रहे थे 7:45, वो कहता नहीं नहीं 4:00 चलेंगे सर। 4:00 होता ना टाइम तो, व्हाट अ टाइम 4:00 इज। भाई साहब ने सेट करवाया कि नहीं चलो 5:30 रख लेते हैं बीच का, ना तुम्हारा ना हमारा। उन्होंने मुझे रात को 10:30 कॉल करके ये बोला है कि 6:00 तो धूप आ जाती है, 5:00 कर लो ना। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि धूप कहाँ है ना। खैर, हो सकता है उधर धूप आ रही हो जिधर उनका घर है। और धूप सबसे बड़ी क्या सीन है, कहीं लू तो नहीं लग गया उसको? सबसे बड़ी चोट सुन भाई, फोन से चौंक करके पड़ा हुआ कहीं। अब इतना कुछ हो ही गया है तो मैं अब एक रात की बात खोल देता हूँ। भाई साहब जी अभी रिसेंटली मनाली जाके आए हैं, वैकेशन मना के आए हैं अपनी, और ऑफिस में है कि वो गांव से किसी गांव में गए किसी काम के वजह से। ये पता चलना चाहिए तुम्हें ऑफिस वालों, ये झूठ फैला दो तुमसे, क्योंकि अब ये छुपाने का कोई मतलब नहीं रहा। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं गाइज, जंगल सफारी जाने वाले हैं, झालाना जंगल सफारी। मेन जंगल सफारी नहीं जाएंगे, लेकिन उसी रास्ते एक काली माता का मंदिर है, तो हम उस मंदिर तक जाएंगे। कुछ हम लोगों में से कुछ जने नहा के भी आए सर्दी में भी, तो वो मंदिर के अंदर तक जाएंगे। जो नहीं नहा के आए उनको मैं नहीं जाने दूंगा मंदिर के अंदर तक, बट वहाँ जाने का जो रास्ता है वो इंटरेस्टिंग है, तो उसमें मजा आएगा आप लोगों को, हमें मजा आने वाला है। मेरा नाम लिया कर जब संस्कार की बात, मेरा नाम लिया कर कि मैं नहा के आता हूं। संस्कार, हमारा नाम लिया करो ना, क्या संस्कार की बात अगर आए तो ये रामायण देखने नहा के टीवी के सामने बैठता था ये वो बच्चा है। ठीक है, तो बस हमारे साथ रहो और एंजॉय करो, बने रहिए इस व्लॉग पे। भाई ये तो वो समय है और हम जंगल के बीचों बीच है, कि मतलब अपनी परछाई से भी फट जाए आदमी की। आएगा आएगा, देखो देखो आएगा, लेपड़ लेपड़ आएगा, अरे आएगा 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 गया रे। सलमान भाई सलमान भाई इसमें नहीं है। किसमें? इसमें सलमान भाई आ गए भाई। क्या कर रहा है ब्लैक बक, आज तेरे पर गाड़ी चढ़ा दूं क्या? नहीं, इस पे को तो गोली मारूंगा, गाड़ी तो मैं इंसानों पर चलाता हूं, बंदूक का मेरी। भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो ये देख, कुछ दिख रहा है? नहीं। इधर कुछ दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे कुल मिलाकर के अपन 4 लोग हैं इस वक्त, और है घना जंगल। ठीक है, तो इस वक्त भाई बगल से हवा निकल जाए ना कान से मेरे पास से, और तो एक मिनी हार्ट अटैक तो मेरे को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं हो जाएगा। और यार हाथ हाथ पकड़ लो आपस में, मेरे को ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मेरी फट रही है। झुंड में चलो, झुंड में कहीं पंछियों की आवाज सुन के, एकता महेशियों की आवाज, बेटा यहाँ से आ गई ना कोई सफेद साड़ी में भक्ति, एकता में ही शक्ति है, पंछी उड़ जाएगा तुम्हारी आत्मा। दो मोर बैठे हैं देख अलग भाई, यहाँ से फेरिस रामपुर चले, इसकी हम साथ साथ खत्म नहीं होती भाई, इसको रामपुर जाना है। साथ साथ अरे थोड़ा पीछे हुए ने मेहमान ने कैसे अबे रक्त काबो हमें। अरे चलो यार, बकवास कर रहा है। अरे चलो ना यार, बकवास मत कर, चल चल ना। मेरे पास क्रॉस है वो इंडियन है, ओ जी वो इंडियन, वो ओम की शक्ति है मेरे पास ओम की शक्ति है। एक दूसरी गेट ये है जहाँ से जंगल सफारी के लिए जीप जाती है, जो लोग पे करके आते हैं जंगल सफारी करने के लिए, तेंदुआ देखने के लिए, तो वो एक दूसरा गेट ये है यहाँ से। मंदिर लिखा है इधर मंदिर लिखा है इधर, भगवान की ताकत हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा हमें। Oh Jesus, please bless us. Sorry, मंदिर जा रहे हैं। माँ हमारा ख्याल रखना। फोन भी स्विच ऑफ नहीं करा होगा। अरे भाई होता है यार, डर के मारे अंधेरे में अनसेन चीजें दिखने लग जाती है, तो तुम बार बार वैसे पेड़ दिखाते हो, वो देखो क्या बैठा है, वो देखो क्या बैठा है। दिल बैठा जा रहा है मेरा यहाँ धक धक करके।
पिछली बार कब आए थे आप? 17वीं सदी में? नहीं यार, अपन बहुत आगे आ गए, पता है यहाँ पे अब अगर भूत आ जाए ना तो वापस जाने की भी नहीं सोच सकता, तो बैठ जाऊँ मैं। जो करना है कौन है भूत? वो है जीते जाते इंसान, ठीक है? भूत कुछ नहीं होता, जीते जाते इंसान क्या बोलता रहता है इंसान भूत है। ये वो वाला मीम नहीं है? ये वो वाला मीम नहीं है, सुबह सुबह उठ गया अब कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। सुबह सुबह उठ के डरता कौन है भाई, रात को नहीं है। यार मेरे को एक सीन याद है, अंधेरा हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त है ये, ब्रह्म मुहूर्त में ही ब्रह्म होते हैं सबसे ज्यादा, ब्रह्म राक्षस भी इसी मुहूर्त में आता है। हाथ पाथ पकड़ लो यार तुम लोग। वैसे यहाँ पर टूटा हुआ तो है ये, बकवास मत करे, चल टूटा है ये वो है सब। अब तो सबको क्यों बता रहा है टूटा हुआ है तो? एनी गाइज, इट्स अ वेरी गुड ट्रैक, ट्रैक नहीं सॉरी, इट्स अ वेरी गुड सफारी, अच्छा थोड़ा सा माहौल है। आते वक्त थोड़ा दिन हो जाएगा तो हम आपको और अच्छे से दिखा पाएंगे। हितेंद्र यार गैस छोड़ी तूने? एलपीजी की। अच्छा एलपीजी कह रहे, हितेंद्र तो एलपीजी छोड़ता है? हितेंद्र इंजर्ड हो गया है, उसके कान में कुछ तो हो गया है। आर यू ओके? और कान से मेरा मतलब है इयर्स, इयर्स कान। हाँ, दिखाओ सबको अपनी कान दिखाओ। सही है, क्या हुआ हितेंद्र? ओ बाप रे, बहुत खून निकल रहा है। बता कितनी चुटकी बजाई? इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा कैप्टन, इसे आप हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है, चाटा पड़ती समझ आ गया इसको। अरे गोपीनाथ गंडोत्रा। देखो गाइस ऐसा है कि ये जो हम सब कर रहे हैं कि भूत आ रहे हैं, हमें डर लग रहा है, बहुत तेंदुए आ रहे हैं, तो ये सब परफॉर्मेटिव आर्ट है, ऐसा कुछ है नहीं, हम डरते वरते नहीं। माता जी का मंदिर का रास्ता है। और क्या, बिहारी शेर है ये आदमी। हाँ बस बहुत ओवर एक्टिंग हुई। हाँ बस कट कर दे, कट कर। हाँ छोड़ो भाई, फट रही है यार, बहुत ज्यादा अंधेरा, ठंड हो रही है यहाँ पे भाई। अभी तेंदुआ आ जाए ना, मेरी तो फटना मना है, अपने तो चौड़ चौड़ में बोल दिया, कोई एलियन जब आके पता पड़े यहाँ पे कोई जा रहा तो भाई मेरे को तो हर पेड़ पे कोई ना कोई। अरे यार ले क्या, मैं तुझे एक लेकिन रियल स्टोरी बता रहा हूँ। अरे यार इस टाइम पे डरावनी नहीं, कहानी मत सुना यार, देखो टाइम नहीं, मेरे को नहीं सुननी, मेरे को नहीं सुननी, मेरे को सुननी नहीं है वो पॉडकास्ट के लिए रखो ना अपने, मैं नहीं सुन रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। इसने जय श्री राम बोल दिया गाइस, ये इंसान क्या मत डालो तू ना। ऐसे डांस कर तू कब आएगी? कर दे देख रहे हैं, ये स्पोर्ट है, तू आ करे तो आ। हां सिर्फ तुम कुछ करो ना, दूसरे को समझा रहे, चल तू भी करो, चल ये स्पोर्ट, चलो ये सब देखना पड़ेगा। बापू जी बना हुआ है, डन। अभी मैंने देखा लच्छू कुछ कर रहा है यहाँ पे, बजरी और मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है उसके साथ। खाता हूँ, आ जाओ लच्छू बेटा, क्या चल रहा है ये? गड्ढा कर रहा हूँ। क्यों? हितेंद्र के लिए। गाड़े का? नहीं तो ऐसे सरेआम हकदार रहता है यहाँ अगले का कम से कम। अरे यार अभी फिलहाल सबसे बढ़िया बात यह है कि पाँव फट गई है, और पाँव फट गई का मतलब समझता क्या हुआ है? कि कोई नहीं डरता भाई भूत भूत से, बेकार की बातें हैं सारे, चुड़ैल उड़ाल, हट हट, डरता हूँ क्या मैं तुमसे? एक चुड़ैल तो शेर आदमी हूँ, एक चुड़ैल इसके अंदर बसी हुई है। एक्चुअली अभी जो ये वॉल बन गया है, लेकिन जब ये वॉल नहीं था और छोटा था तो इधर दोनों तरफ ही बहुत सारे हिरन दिखते थे, जो कि बहुत ही दिखने में मजा आता था। अभी इन्होंने ये वॉल काफी ऊंचा कर दिया है तो दिख तो नहीं रहा, उछल के देख। तू बताएगा नहीं ना ये क्या कर रहा है? अरे कोई भी छेद दिखे तो उसमें मुंह नहीं देना होता, बस छेद दिखाने के घुस जाएगा उसमें। शट अप ब्लडी पीपल, अभी नहीं है। ए क्या कर रहे Hi guys. बसते हैं भोले, तो जैसा कि देख रहे हैं कि ऊंचाई पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा पैर सही ऊंचाई पे पहुंच गए। सर आप तो बहुत ऊंचे चले गए सर, सर एक ऑटोग्राफ, सर सर एक ऑटोग्राफ। तुम आम जनता हो ना? ये तो कंगना की आत्मा है, ये तो आम जनता, यहाँ पे आके बैठ जाओ। तुम गरीब हिंदुस्तानी हमारी जुट्टी के नीचे रहेगा। यस बिल्कुल, जुट्टी के नीचे रहेगा। तीन गुना लग क्या हगने वाला है क्या? अरे पेट घर से खाली करके आया करो भाई। लगता है अब दिन हो चुका है, सबसे पहले मैं चश्मा लगा लेता हूँ, बिकॉज आई हेट लाइट्स। सो
आ गए बस हम मंदिर पहुंचने वाले हैं एंड पाँव फट चुकी है पूरी तरह से और कुछ और भी फट चुकी है लेकिन सो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा रास्ता, ये इस तरीके का है, कच्चा सा रास्ता बना हुआ है पूरा एंड हम करीब 1 किलोमीटर करीब चल के हम आ चुके हैं और हाँ आधा 1 किलोमीटर अब अभी और जाना है बस हमें, फिर हम मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे एंड देन वापस कुछ रास्ते में कुछ खाएंगे पियेंगे, तो यही है वह सब। देखो तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुमसे क्या छुपाता है, हम कोई सरकार तो है नहीं कि ट्रांसपेरेंसी ना रखें, पैसा बहुत हम तो फुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं भाई, बस गिर जाएगा सलमान भाई, पता है कभी क्यों नहीं आया हमें कैसे पता चला, वो देखो ब्लैक बक इतना जोर से डरा रहा है उसको, वो सलमान भाई आके गोली मार देंगे साले को एक दिन, तब नहीं डर लगेगा इसको। मालिक भाई हाँ एक बार बैठ के सवारी करके आओ ना, आ जा जा बेटा, सलमान भाई का बदला ले लेगी तेरे से वो। तो अभी जब हम मंदिर के अंदर गए थे तो वहाँ पे हमने पंडित जी से पूछा, उन्होंने बताया कि माता के एक्चुअली दो रूप है, वहाँ जो मूर्ति है काली माता दो रूप में विराजमान है और जिनकी पूजा होती है अंदर और बहुत ही सुंदर वाइब। इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन इस मंदिर की क्या मान्यता है और क्या है इसकी हिस्ट्री एक बार पूछते हैं यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे। जो सच्चे दिल से आता है, जो मनोकामना अपनी पूरी कराता है वो दोबारा यहाँ आता है और 1100 साल का तो इसका हमारे पास रिकॉर्ड है, उससे पुराना हमारे पूर्वज जाने कितना। और यहाँ पे माता की दो रूप देखे, मतलब दो, एक शांत रूप है और एक क्रोधित रूप। अच्छा अच्छा, अच्छा। दोनों रूप है। श्री काली माता का इतना पुराना मंदिर 1100 साल पुराना तो ये बता रहे हैं, 1100 साल का तो हमारे पास रिकॉर्ड, इनके पास रिकॉर्ड है, उससे पहले भी ये राजा महाराजाओं ने बनवाए होंगे। हाँ, राजा महाराजा यहाँ पे शिकार करने आते थे, आगे यहाँ पे शिकार होती बनी हुई है पहाड़ी वहाँ पे। अच्छा अच्छा, वहाँ पे जा नहीं सकते? नहीं, वहाँ से फॉरेस्ट वाले जाने नहीं। अच्छा, वो जंगल सफारी वगैरह के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता। सो गाइस, दर्शन करके हम निकल चुके हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, आपने जैसा देख ही लिया होगा, हमने वहाँ पे जो बाबा गाड़ी आ रही है अच्छा तो पता नहीं, लेकिन इसके धक्के से जरूर मर जाता मैं, इतने जोर से धक्का मारा है इसने। सुनामी आ रही थी क्या? गाड़ी तो आ रही थी, एक तो तेरी जान बचाई भाई, भलाई का जमाना नहीं रहा, लोग ऐसे हो गए, जान बचा के देखा, ये खुद बीच में खड़ा था, जान बचा के ये नहीं हटा, गाड़ी सिर्फ मेरे लिए आ रही थी, मैं तुझे बचा रहा था ना। कुछ भी का बैड ड्रीम पता है क्या? ब्लैक बक, वो भी सड़क के बीच में। सलमान भाई दो क्राइम करेंगे एक साथ। जाके हाथ लगा उसको, तेरे साथ फोटो लेता हूँ उसकी, जाए उसमें बैठ जा, एवेटार की तरह अपनी चोटी जोड़ ले उससे। अभी क्योंकि दिन हो गया तो आपको दिखेगा कि किस रास्ते से हम आए थे और कितना सुंदर है ये रास्ता। सो एक बार मैं चाहूंगा आप कैमरा उधर लेके जाओ और दिखाओ कि कितने सारे हिरन और कैमरा छोड़ दो तू चल जा, इतना सुंदर लग रहा है ये सब कुछ। थोड़ा सा आगे जाओ इधर, आपको कैमरा पैन करना नहीं आता है? सिखाया था हमने लास्ट टाइम। का है बर्थडे बैश, आज है मेरा बर्थडे, सबको गाजर मिलेगा, लो लो, एक भगाना मत उसको, लो सबका गाजर है, आप सबका ही गाजर है बच्चों, खाओ खाओ, आज गाजर का हलवा ना सही तो गाजर ही खाओ, आ जाओ। कह रहा हूँ ये गाजर तू समेट ले, हलवा बना लेना घर चल के। गाजर गाजर गाजर, ए भगाया क्यों उसको, ले तू मार मार के भगा रहा है उस पे गाजर फेंक फेंक के। कोई नहीं भाग रहा वो बेचारे, खाओ खाओ गाजर पार्टी, करेंगे गाजर पार्टी, करेंगे गाजर पार्टी, ये इतने हेल्दी इसीलिए और एब्सेंट, ये देखो तुम गाजर खा खा के कितने सुंदर कान है मेरे बच्चे के, ये अवतार वाले लग रहे सारे, उन पे बैठ के चोटी जोड़ ले इनसे। यस, एक दिल से दिल का रिश्ता तो है ही वाली, चोटी ना जोड़ू मैं बस, क्या करेगा सारी गाजरें खत्म करेगा क्या? मुझे मैंने ऐसे सुना था कि जान, आ जाओ गाजर खा लो, ये लो, ओ आ जाओ गाजर खा लो, और सब सुन लो, ये जंगल आज से तुम्हारा है और तुम इस जंगल के राजा हो, मेरे साथ कहो, जंगल हमारा है, हम इस जंगल के राजा है। अभी क्या पंचतंत्र चल रहा है ये? सुंदर कौन है इसका? तुम्हारा कान बहुत सुंदर है बच्चे,
बहुत सुंदर कान है, बहुत सुंदर कान है। एक बार वो भी बोल दे इनको, परिवार तोड़ा नहीं करते, परिवार तोड़ा नहीं करते पुत्र, जानवर को छोड़ के परिवार का नाम सुनते ही। मेरे बच्चों अभी एक छोटा सा गाजर बचा है, कौन खाएगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन खाएगा? तुम ही खाओगे, सबसे ज्यादा तुम ही ठूस रहे हो। ये देखो वो मार रही है उसको, ए तुम खाएगी? आ जाओ खा लो, राम मंदिर बन गयो, ये खा लो, खा लो पाड़े, राम मंदिर के पाड़े, ये खा लिया। बाय बाय, लव यू बॉय, बॉय मेरा बच्चा, मुंह चलाना बंद कर दो। कितना सुंदर है यार, मेरा मन कर रहा है इसको मुंह पकड़ के, कान पकड़ के ऐसे ऐसे हिला दूं। और सोच उसने पकड़ के तेरे को हिला दिया, फिर क्या करेगा? नहीं ये जानवर वो नहीं होते वायलेंट नहीं होते, मैं ही इनके साथ वायलेंट हो सकता हूं। साउथ से आया क्या? कौन सा ब्लडी रेस? तो आप लोगों ने देख लिया होगा हमारा व्लॉग, हम लोग अंधेरे में गए थे भूतों और तेंदुओं के बीच में से निकलते हुए। वो आपको वीडियो में नहीं आएंगे क्योंकि आत्माएं कभी भी कैमरे में नहीं दिखती। हम मंदिर पहुंचे, हमने दर्शन किए, और क्योंकि फिर हमारे साथ माता जी की शक्ति थी, आते वक्त हमें किसी ने कुछ नहीं किया, आराम से हमने आते वक्त हिरणों को देखा, नीलगाय हमें मिली, हमने रास्ता एक्चुअली एंजॉय किया है बहुत ज्यादा। और यहाँ के आसपास के लोग जो यहाँ नहीं आए, मुझे लगता है एक बार तो आना चाहिए, एटलीस्ट धर्म के नाम भी आ जाओ, मंदिर में दर्शन करने के लिए आ जाओ। और मैं पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत खूबसूरत जगह लगी। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, बट बहुत ही सीधा सिंपल सा रास्ता है, कुछ ऐसे टेंशन वाली बात नहीं। ऑल्दो आप गाड़ी से भी आ सकते हो, अपनी बाइक से भी आ सकते हो, बट मंदिर जरूर आप एक बार देखो। सिर्फ आपको मंदिर जाना है तो मतलब 20 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है, हाँ। अगर लगेगा आपको अगर जाने और आने का भी सब, हाँ मतलब मोर और लेस 45 मिनट में आप फ्री हो जाओगे दर्शन करके आराम से, तो आपको जरूर आना चाहिए। एंड बस अब हम लोग, ये आपको दरवाजा यहाँ पे दिखी जाएगा, दिखा दो सर दरवाजे को, और बस अब आप इस दरवाजे से हम बाहर निकलेंगे और आपसे विदा ले लेंगे। सो अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया हो, ऐसे ही आपको और व्लॉग्स देखने हो और भी कुछ जानना हो जयपुर में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो हिडन है या फिर बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, तो उसके बारे में अगर आपको और देखना है जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें और बहुत सारे कमेंट्स करें। और जयपुर में आपको कुछ जानना तो आप इनको बता सकते हैं, जयपुर के वास्को डा गामा है, जयपुर पूरा घूम चुके हैं। बाकी मैंने दो तीन जगहों के नाम जो है अभी लिख रखे हैं और वीडियो भी सेव कर रखे हैं कहाँ जा सकते हैं, तो एक बार हम डिस्कस करते हैं फिर उसकी भी वीडियो आएगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री राम, जय सिया राम।